हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल को रोजाना यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला मोबाइल की तीन ऐसी मजेदार और एक कमाल की ट्रिक के बारे में, जो कि आई एम श्योर ये सारी ट्रिक के बारे में आप भी नहीं जानते होगे, और इसे देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि ये सारी ट्रिक के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। और खास करके अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो ये ट्रिक अगर आप कर लोगे अपने मोबाइल में, तब अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर को दो गुना ज्यादा फास्टर यूज कर सकते हो। आज आपने सही सुना, तो ये वीडियो अब तक देखिए। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त जाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो आपको ट्रिक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, और खास करके जो तीसरी ट्रिक के बारे में, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर को और ज़्यादा फास्ट करना, तो थर्ड वाली सेटिंग तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रिक के बारे में आपको मैं बता दूँ, जो कि आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर तो ज़रूर यूज़ करते होगे, पर ये कोई मामूली सा कैलकुलेटर नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड लिखोगे, जैसे कि सपोज आपको सिंपली पासवर्ड सेटअप कर देना है। सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में लिख देना है, फिर परसेंटेज का सिंबल लिखना है। जैसे यहाँ पे आ जाते हो, फिर आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर के अंदर फोटोज वीडियोस को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद फोल्डर पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे फोटोज के आइकन पे आ जाइए, फिर आप अपने मोबाइल में से कोई भी फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये वाला फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे लोड कर देना, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका। तो बड़ा आसान से इसे यूज कर सकते हो। दूसरी ट्रिक के बारे में आपको बता दूं, आपको अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पे नीचे कर देना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन मिल जाएगा, इसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ये वाला ऑप्शन तो जरूर होगा, मगर आप इसे यूज नहीं करते होगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो कि इन्वर्ट कलर्स करके आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपका ये ऑप्शन नीचे होगा, आपको यहाँ पे ऊपर लेके आना है, फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन आ जाता है इन्वर्ट कलर्स करके, इससे क्या होगा कि आप इमरजेंसी के टाइम पे ये यूज कर सकते हो, और आपका मोबाइल होगा वो पूरा यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और अपने मोबाइल में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को सेव कर सकते हो। तो ये थी दूसरी सेटिंग। और जो तीसरी ट्रिक के बारे में आपको बता दूँ, अगर आप अपने मोबाइल में रोजाना फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सिक्योरिटी पे, जो कि सिक्योरिटी पे आप जैसे ही आ जाते हो, फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सपोज आपने यहाँ पे पिन सेटअप किया होगा तो ओके पे क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पे मिनिमम आपको फोर फिंगर्स, आपको एक ही फिंगर का स्कैन करके आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे एक फिंगर सेटअप किया होगा, वैसे ही आपको यहाँ पे ऐड फिंगर पे क्लिक करना है। ऐड फिंगर पे क्लिक करने के बाद वही फिंगर आपको यहाँ पे दो से तीन चार बार आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है, वैसे आपको यहाँ पे चार बार सेटअप करना है। जैसे कि आप जैसे चार बार सेटअप कर लेते हो अपने मोबाइल में एक ही फिंगर को, तो आपका जो मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वो बहुत ही फास्ट आपके मोबाइल को स्कैन करेगा, और आपका मोबाइल बहुत ही जल्दी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप बड़ा आसानी से अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज कर सकते हो बहुत ही ज्यादा फास्ट। तो ये ट्रिक के बारे में आपको बताना जरूरी था। तो आज फिर हम बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलेगा। रोजाना मैं चैनल पे टेक के रिलेटेड वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।